मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? हाँ गुड आफ्टरनून सर। आयुष हेलो हेलो सर सर हेलो। हाँ आ गया। यस सर अभी आया। आयुष आयुष यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपैक्ट ऑफ टैक्स, यस सर। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स।
पेज को पढ़ो तो यस सर सेल्स टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन सेलर फर्स्ट टच ऑफ सेल्स टैक्स इज विथ सेलर्स ऑफ इंपैक्ट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन सेल्स टैक्स इज ऑन सेलर एक्सरसाइज ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर सो इंपैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन सेलर्स फर्स्ट टच विथ सेलर्स सो इंपैक्ट ऑफ जीएसटी विल बी ऑन सेलर सो फर्स्ट टच ऑफ टैक्स इज sales tax is imposed on seller first touch of sales tax is with seller of impact of sales tax on sales tax is on seller yahan pe kar do seller and thus impact of sales tax on seller Impact of sales tax. Yes, sir. फिर से सेल्स टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन सेलर फर्स्ट टच ऑफ सेल्स टैक्स इज विथ सेलर एंड दस इंपैक्ट ऑफ सेल्स टैक्स इज ऑन सेलर एक्सरसाइज ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर सो इंपैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ड्यूटीज ड्यूटी ऑन प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन सेलर फर्स्ट टच विथ सेलर So impact of GST will be on seller. So first touch of tax is called impact of tax. Excise duty, exercise, nahi, excise. Excise duty, yes sir. Exercise toh ho gaya kasrat. Yes sir, yes sir. Ye excise hai. E-X-C-I-S-E. Yes sir. Iska matlab ho gaya first touch ko kya kahenge? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स अब क्या होगा कि शिफ्टिंग हो जाएगा शिफ्टिंग ऑफ टैक्स इसके ऊपर लगा सेल्स टैक्स शिफ्ट कर देगा बायर सेल टैक्स ऑन सेलर सेलर शिफ्ट सेल टैक्स टू बायर बायर विल पे सेल्स टैक्स इंपैक्ट पड़ा कहां सेलर पर यस सर इंपैक्ट ऑफ टैक्स किस पर सेलर पर फाइनली कहां आ गया बायर पे तो इसी को कहा जाएगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स फाइनल बर्डन Final burden of tax final burden incidence of tax
final burden of tax payment is on buyer. So दूसरा टर्म आ जाएगा इंसिडेंस, इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज ऑन बायर और सेलर से बायर जो ऐसे आया, यस सर, इसी को कहा जाएगा फॉरवर्ड शिफ्टिंग. Forward shifting of tax. I use, yes sir, incidence of tax is a final burden, yes sir, final burden of, payment of tax payment is on buyer, so incidence of tax is on buyer. Excise duty. Yes, sir. Excise duty is on producer. Producer manufacturer. एक्साइज ड्यूटी किस पर लगा? प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर. ये शिफ्ट कर दिया होलसेलर पर. और होलसेलर शिफ्ट कर दिया रिटेल सेलर पर. और रिटेल सेलर शिफ्ट कर दिया बायर पर. यहां पड़ा इंसिडेंस, इंसिडेंस ऑफ एक्साइज ड्यूटी. ऑन बायर इंपैक्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी. On producer.
impact of excise duty on producer manufacturer. इसको बोला जाएगा onward shifting. इस तरह के शिफ्टिंग को ऑनवर्ड शिफ्टिंग कहेंगे. यस सर. क्योंकि इसमें दो तीन स्टेप है. एक स्टेप होगा तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग, यस सर, जैसा सेल टैक्स में था. यस सर. सेल टैक्स में था कि सेलर पर लगा और चलाया किसके ऊपर? बायर पर. एक स्टेप को बोला जाता है फॉरवर्ड शिफ्टिंग. लेकिन एक्साइज ड्यूटी लगा प्रोड्यूसर पर, फिर होलसेलर पे, होलसेलर से फिर रिटेलर पर, रिटेलर से फिर बायर पे, ये हो गया ऑनवर्ड शिफ्टिंग. और इंसिडेंट इंपैक्ट पड़ा किसके ऊपर? इंपैक्ट पड़ा प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर पर, और इंसिडेंस ऑफ एक्साइज ड्यूटी पड़ा बायर. एक्सरसाइज नहीं बोलो, एक्साइज. यस सर, एक्साइज ड्यूटी. इंसिडेंस ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन बायर. बायर. समझ गया सिस्टम? यस सर. लिख लिए? यस सर. जीएसटी जो है, जीएसटी सेलर पर लगेगा. सेलर उसको शिफ्ट कर देगा किसके ऊपर? बायर पे. बायर पर जीएसटी यहाँ आया और जीएसटी आ जाएगा यहाँ. ये भी तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो गया. ये भी फॉरवर्ड हो गया. इम्पैक्ट yes, पड़ा किस पर? सेलर पे. इम्पैक्ट ऑन सेलर. इंसिडेंस किस पर पड़ा? बायर पे. किस तरह का शिफ्टिंग हुआ? फॉरवर्ड शिफ्टिंग. फॉरवर्ड impact of tax. Shifting of tax. Incidence of tax. In case of only indirect tax. Not to direct tax.
डायरेक्ट टैक्स जो है जिसको लगेगा उसी को देना है, शिफ्ट नहीं होगा। yes. Yes, sir. Direct tax is not shiftable. Impact and incidence. All on the same person. Income tax on IUs. IUs will pay. So, first touch is final touch. And therefore, income tax is not shiftable. Income tax is direct tax. Which cannot be shifted. Its impact and its incidence both will be on the same person. आयुष नाम हटा के टाटा नाम रख देते हैं। यस सर। इनकम टैक्स ऑन मिस्टर टाटा। मिस्टर टाटा विल पे इनकम टैक्स। आयुष तुम तो इनकम टैक्स नहीं ना पे करते हो। नहीं सर, इसलिए नाम हटा दिए। यस सर। Yes, sir.
direct tax, not shifted. Indirect tax, no shifting of direct tax. Mute karo. Forward shifting. Onward shifting. Is done. Forward shifting is done. Name of direct tax. Income tax. Corporate tax. Profit tax. Inheritance tax. Estate duty. Death duty. Wealth tax. लिख लिए।
डायरेक्ट टैक्स का नाम बोलो तो सर लिख ली है सर, डायरेक्ट टैक्स का नाम है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, स्टेट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, डेथ ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, और नेम ऑफ इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड जीएसटी। इंपैक्ट किसको कहते हैं? प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर। इंपैक्ट ऑफ टैक्स प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर नहीं भाई, इंपैक्ट ऑफ टैक्स इज फर्स्ट बायस, फर्स्ट टच इज फर्स्ट टच। यस सर, इंपैक्ट ऑफ टैक्स इज फर्स्ट टच। इंपैक्ट ऑफ टैक्स इज फर्स्ट टच ऑफ टैक्स, फर्स्ट टच ऑफ। यस सर, with seller or producer manufacturer. Impact of tax का मतलब क्या हो गया? First touch of tax with seller or producer manufacturer. Shifting of tax का मतलब क्या हुआ? कि tax payment burden जैसे is shifted from seller to buyer. Buyer. Finally, buyer will pay tax. उसके बाद इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ नो शिफ्टिंग। पॉइंट ऑफ नो शिफ्टिंग, नो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। Final rest point of tax incidence of tax is on buyer in case of indirect tax. In case of indirect tax. In case of, yes, sir. But direct tax to shift hota hi nahi. Yes, sir. Direct tax is not shifted. इस पर लगा है उसी को देना है। डायरेक्ट टैक्स इज नॉट शिफ्टेड। Direct tax is not shifted.
Yes, sir. And therefore, impact of tax and incidence of tax both fall on the same person. Yes, sir. देख लिए? यस सर। सर क्वेश्चन लिख लो। यस सर। व्हाट डू यू मीन by impact and incidence of tax what is shifting of tax What are types of
names of direct tax and indirect tax. Write down names of direct and indirect tax. Is direct tax see the direct tax table? जो लिखे हो उसको इसी तरह से सजा लोगे क्वेश्चन वाइज? यस सर। सर ये जो राइट डाउन नेम्स एंड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स है तो ये डिफाइन किए हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये पूरा लिख देंगे ना, केवल नेम लिख देंगे? नेम लिखोगे उसके बारे में कुछ लिखोगे ना? यस सर। यस किताब से उसके बारे में उतार लोगे, गूगल से उतार लोगे, गूगल में डालोगे ना? यस सर। तो चार लाइन का डेफिनेशन दे देगा, व्हाट इज इनकम टैक्स, व्हाट इज सेल टैक्स, और उसी को भर करके एक नोट्स तैयार करोगे। ठीक है सर। हम तो वहां नाम लिखा दिए हैं। यस सर। इस सबके बारे में एक एक लाइन लिख देंगे सर। सबके बारे में एक एक लाइन लिख दो, अब गूगल में डालोगे तो वो दो लाइन तीन लाइन कर देता है। यस सर। यस सर दे देता है। उसे करके बढ़िया से तैयार कर लो परीक्षा में लिखने वाला क्वेश्चन। यस सर। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। परीक्षा में लिखने वाला क्वेश्चन है, गूगल से सब में दो दो लाइन जोड़ दोगे। यस सर।